दोस्तों बिहार पुलिस 2018 कांस्टेबल और फायरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला था 25 नवंबर 2018 और 2 दिसंबर 2018 को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों ये फेक न्यूज़ है या ऑफिशियल न्यूज़ है इस बात को मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा अपने वीडियोज़ में। और दोस्तों लोग जल्दी जल्दी में कुछ वीडियोज़ बना रहे हैं उसमें आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं कि ये परीक्षा क्यों रद्द हुआ था, लेकिन वो भी जानकारी इस वीडियो में दे दिया जाएगा, पूरा सही जानकारी मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले बता देता हूँ ये फेक न्यूज़ है या ऑफिशियल न्यूज़ है। तो सबसे पहले आप www.csbc.bih.nice.in पे लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको इस तरह का पेज खुल के नज़र आएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पर चले जाइएगा रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, तो वहाँ पे चले जाइए। ये रात में ही, कल रात में ही पब्लिश कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं, आप पूरी तरह से पढ़ के देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, डायरेक्ट यहाँ पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 25 नवंबर 2018 को दो पालियों में और 2 दिसंबर 2018 को एक पाली में जो लिखित परीक्षा होने वाली थी उसको पूरी तरह से रद्द किया जाता है, ये लिखा गया है दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ कि बिहार पुलिस 2018 का एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो परीक्षा पहले जो हुई थी वो लीक हो गया था, पेपर लीक, लेकिन कौन सी परीक्षा लीक हो गई थी ये नहीं बताया गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उपद्रव हुआ था, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं, या जैसे ही यूट्यूब में कोई वीडियो क्लिक करेंगे तो उसमें आपको लिखा गया होगा थंबनेल में कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन आप वीडियो जैसे ओपन कीजिएगा तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोलेंगे कि वहाँ पे इस तरह का कोई भी जानकारी अभी नहीं दिया गया, लेकिन मेरे वीडियोज में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। इस जानकारी को खोजने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया दोस्तों, इसलिए वीडियो में लेट बना रहा हूँ। तो पढ़ के दिखा देता हूँ। शुक्रवार को एक महिला पर शिशु कांस्टेबल की मौत का विरोध करने के लिए पटना में पुलिस लाइन में सैकड़ों नए भर्ती किए गए कांस्टेबलों के चलते बिहार पुलिस के 170 से ज़्यादा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। कुछ वरिष्ठ अधिकारी घायल हो गए और हिंसक विरोधों में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह पहली बार है कि कांस्टेबल के खिलाफ इस तरह के पैमाने पर एक कार्रवाई की गई है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए एक मुख्यमंत्री की कोटा योजना के हिस्से के रूप में महिला कांस्टेबलों की भर्ती की गई थी। पुलिस महानिरीक्षक पटना क्षेत्र NH खान ने रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज को इस प्रभाव को निर्देश जारी किया। SSP को कांस्टेबल को हटाने का अधिकार है। 167 नए भर्ती किए गए कांस्टेबल को खारिज करने के अलावा खान ने 8 अन्य पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने का भी आदेश दिया। इसी कारण से बिहार पुलिस की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब परीक्षा जल्द ही नई सिरे से होगी। ऑफिशियल नोटिस www.csbc.bih.nice.in पे उपलब्ध होगी और ये परीक्षा जल्द ही होगी दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी जारी रखें दोस्तों। और जहाँ तक मेरा मानना है यह परीक्षा इलेक्शन से पहले ही हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इलेक्शन अगर स्टार्ट हो गया तो परीक्षा और लेट हो सकती है, लेकिन इलेक्शन से पहले ही हो जाएगा। परीक्षा कब होगी ये जानने के लिए दोस्तों आप YouTube, Facebook, Twitter आदि जगहों पे अपना समय बर्बाद ना करें। आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट www.csbc.bih.nice.in पे डायरेक्ट वहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। बेकार में अपना टाइम वेस्ट ना करें दोस्तों, अपनी तैयारी जारी रखें दोस्तों। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें और हमारे चैनल में विजिट ना करें, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। अगर आपको एजुकेशन और मोटिवेशन और डेली लाइफ से रिलेटेड और नई नई जानकारी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, वो भी रेगुलर वीडियो चाहिए, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।